हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल टेक हिंदी। फ्रेंड्स, जिस तरह से हम इंसानों में ब्रेन होता है, उसी तरह आपकी गाड़ी के इंजन में भी ब्रेन होता है, और गाड़ी के इंजन का ब्रेन होता है ECU। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा ECU क्या होता है, ECU कैसे काम करता है और ECU क्या क्या काम करता है। तो आज का ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ECU का फुल फॉर्म होता है इंजन कंट्रोल यूनिट, कई बार इसे इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट भी कहा जाता है। और गाड़ी के इंजन का जो ECU होता है, वो गाड़ी के इंजन के द्वारा परफॉर्म किए जाने वाले हर एक फंक्शन को कंट्रोल करता है। इसके अलावा ये गाड़ी के इंजन के हॉर्स पावर को भी इम्प्रूव करता है। अब सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपके गाड़ी के इंजन में बहुत सारे सेंसर्स लगे हुए होते हैं, बहुत सारे एक्चुएटर्स भी लगे हुए होते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग सेंसर्स की बात करें तो इंजन में टी मैप सेंसर लगा हुआ होता है। इसके अलावा थ्रॉटल पोजीशन सेंसर होता है, कूलेंट टेम्परेचर सेंसर होता है, एग्जॉस्ट गैस ऑक्सीजन सेंसर होता है, क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर, कैम शाफ्ट पोजीशन सेंसर, डिटोनेशन सेंसर, इंजन टेम्परेचर सेंसर, न्यूट्रल स्विच, एयर प्रेशर एंड टेम्परेचर सेंसर, फ्यूल प्रेशर एंड टेम्परेचर सेंसर, लैम्डा सेंसर, इंजन RPM और क्रैंक पोजीशन सेंसर। तो ये सारे ही सेंसर्स गाड़ी में इंजन में लगे हुए होते हैं। अब मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स कि जो सेंसर होता है वो अलग अलग तरह के फंक्शन को परफॉर्म करता है और अलग अलग डेटा को सेंस करता है, जैसे कि इंजन का RPM कितना है, इंजन का लोड कितना है, एयर का प्रेशर कितना है, फ्यूल का प्रेशर कितना है, कूलेंट का टेम्परेचर कितना है, क्रैंक शाफ्ट का पोजीशन कितना है, कैम शाफ्ट का पोजीशन क्या है। ये सब डेटा को ये जो सेंसर है वो सेंस करता है, और इस डेटा को ये जो सारे सेंसर्स है अलग अलग डेटा को सेंस करते हैं और इस सारे ही डेटा को वो भेजते हैं एक जगह पे, वो है इंजन का ECU, यानी कि इंजन कंट्रोल यूनिट पे ये सेंसर सारे ही डेटा को भेजते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल के लिए अगर बताऊं तो जो थ्रॉटल पोजीशन सेंसर होता है वो इस बात को सेंस करता है कि कितना एयर इंजन के अंदर में आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो इंजन टेम्परेचर सेंसर है वो इंजन के कूलेंट के टेम्परेचर को सेंस करता है, और उसके अकॉर्डिंग वो इंजन के टेम्परेचर के डेटा को ECU में भेजता है। इसके अलावा जो थर्ड एक और सेंसर है, क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर। अब ये जो क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर है वो इस बात को सेंस करता है कि क्रैंक शाफ्ट का अभी रोटेशन क्या है, उसका रोटेशनल स्पीड क्या है और क्रैंक शाफ्ट का पोजीशन क्या है, और इस डेटा को भेजता है ECU में। इसी तरह ये सारे सेंसर्स डेटा को ECU में भेजते हैं। अब जो ECU होता है वो इन सारे ही सेंसर्स के द्वारा भेजे हुए डेटा को रीड करता है, उसे कंपाइल करता है और उसके अकॉर्डिंग वो सिग्नल को भेजता है एक्चुएटर्स में। आइए अब एक्चुएटर्स की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपकी गाड़ी के इंजन में जो है बहुत सारे एक्चुएटर्स भी लगे हुए होते हैं, आइडल एयर कंट्रोल वाल्व, इग्निशन कॉइल, स्पार्क प्लग, फ्यूल इंजेक्टर, गैस सोलेनोइड वाल्व, HT कॉइल, मल्टी फंक्शनल वाल्व, ये सारे ही एक्चुएटर्स लगे हुए होते हैं। अब एक्चुएटर्स का क्या काम है मैं आपको ये बताता हूँ। तो जो सिग्नल ECU से आ रहा है उसके अकॉर्डिंग ये जो एक्चुएटर्स है वो फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। जैसे कि स्पार्क प्लग को ये सिग्नल मिलता है ECU से कि कब स्पार्क प्लग को स्पार्क को एमिट करना है, और उसके अकॉर्डिंग ही स्पार्क प्लग स्पार्क को एमिट करता है। जैसे कि फ्यूल इंजेक्टर का काम है कि फ्यूल को इंजन के सिलेंडर के अंदर भेजना, तो ये डेटा भी ECU से आता है। ECU सिग्नल भेजता है कि कब किस टाइम पे और कितना फ्यूल इंजेक्टर को फ्यूल सिलेंडर के अंदर में भेजना है, और उसके अकॉर्डिंग ही फ्यूल इंजेक्टर काम करता है। तो फ्रेंड्स, जो हमारा ECU होता है गाड़ी के इंजन का, वो जो सेंसर है और एक्चुएटर है, इन दोनों के बीच में एक ब्रिज का काम करता है, और सेंसर से वो डेटा को लेता है, एक्चुएटर को सिग्नल भेजता है और इस तरह से काम करता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ सिंपल सा, कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्रैंक शाफ्ट जो पोजीशन सेंसर होता है वो ये सेंस करता है कि क्रैंक शाफ्ट का पोजीशन क्या है और जो क्रैंक शाफ्ट का रोटेशन हो रहा है उसका स्पीड क्या है। ये डेटा मिला ECU को, ECU भेजेगा डेटा को हमारा फ्यूल इंजेक्टर को। अब उसके अकॉर्डिंग क्या करता है जो फ्यूल इंजेक्टर, उस डेटा के अकॉर्डिंग जो फ्यूल है वो सिलेंडर के अंदर में भेजता है। तो इस तरह तो सारे ही सिग्नल और जो सारे सेंसर और सारे एक्चुएटर एक दूसरे से लिंक होते हैं, और इस तरह से जो हमारा इंजन का ECU है वो काम करता है। अब मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स कि जो ECU होता है वो EFI सिस्टम का एक इंटीग्रल पार्ट होता है। EFI का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक
फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। और फर्दर हम लोग इस EFI को तीन अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है एयर इंडक्टरी सिस्टम, दूसरा है फ्यूल डिलीवरी सिस्टम और तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम। और यहीं से EFU का जो है फंक्शन वो काम करना स्टार्ट कर देता है। फ्रेंड्स, आइए अब हम लोग ECU क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है इसकी बात करते हैं। सबसे पहला और जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ECU का होता है वो होता है एयर फ्यूल के मिक्सचर को कंट्रोल करना। फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि ECU को बहुत सारे अलग अलग सिग्नल्स मिलते हैं। ECU को ये सिग्नल मिलता है कि इंजन का लोड कितना है, इंजन का RPM कितना है, कितना एयर सिलेंडर के अंदर में आ रहा है, इंजन का टेम्परेचर कितना है। अब इसके अकॉर्डिंग क्या करता है ECU कि इन सारे ही डेटा को कंपाइल करता है और इसके अकॉर्डिंग वो एयर फ्यूल का कितना मिक्सचर सिलेंडर के अंदर में जाना चाहिए उस डेटा को मॉनिटर करता और इस सिग्नल को आगे फॉरवर्ड करता है। अब मैं आपको बताऊं कि ECU इस बात को ध्यान में रखता है कि एयर फ्यूल का जो मिक्सचर है वो ज़्यादा रिच नहीं हो, ज़्यादा लीन नहीं हो, तो स्टोइकियोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो है उसके अकॉर्डिंग ही एयर फ्यूल का मिक्सचर इंजन के सिलेंडर के अंदर जाए ताकि प्रॉपर कंबशन हो, फ्यूल का वेस्टेज नहीं हो। इसके अलावा वो ये भी ध्यान में रखता है कि सही टाइम पे सही अमाउंट ऑफ पावर इंजन से हमारे मिले। तो इन सब चीज़ों को ये ECU है वो ध्यान करता है और एयर फ्यूल के मिक्सचर को कंट्रोल करता है। अगला फंक्शन जो ECU परफॉर्म करता है वो है इग्निशन के टाइमिंग को कंट्रोल करना। मैं आपको बता दूं कि ECU खुद से कंप्रेशन स्ट्रोक को मॉनिटर करता है और ये देखता है कि जो कंप्रेशन स्ट्रोक है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, और उसके अकॉर्डिंग वो इग्निशन के टाइमिंग को एडजस्ट करता है। मैं आपको बताऊं कि ECU ये डिटेक्ट करता है कि कोई भी एयर फ्यूल का मिक्सचर जो अनबर्न्ड गैसेस होता है वो सिलेंडर के अंदर मौजूद है कि नहीं है। इसके साथ ही वो इस सेम सिग्नल को भेजता है स्पार्क प्लग में, यानी कि अगर ECU डिटेक्ट करता है कि नॉकिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, डिटोनेशन का प्रॉब्लम आ रहा है, तो फिर वो क्या करता है कि वो स्पार्क प्लग से जो स्पार्क निकल रहा है उसके टाइमिंग को थोड़ा डिले कर देता है ताकि जो एयर फ्यूल का मिक्सचर है वो सही से बर्न हो पाए, कोई भी अनबर्न गैसेस जो है वो सिलेंडर के अंदर मौजूद नहीं रहे। और इस तरह से ECU जो है वो इग्निशन के टाइमिंग को कंट्रोल, मॉनिटर और सुपरवाइज करता है। अगला फंक्शन जो ECU परफॉर्म करता है वो है आइडल स्पीड और वेरिएबल वाल्व टाइमिंग को कंट्रोल करना। मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स कि ECU में थ्रॉटल का जो ओपनिंग है और जो क्लोजिंग है उसका टाइमिंग जो है पहले से ही प्रोग्राम रहता है, और जो ECU है वो थ्रॉटल को स्टॉप करके आइडल के स्पीड को कंट्रोल करता है। फिर इसके अलावा जो ECU है वो वाल्व के टाइमिंग को भी कंट्रोल करता है, यानी कि वाल्व कब ओपन होगा, कब क्लोज होगा, वो इस चीज़ को लगातार मॉनिटर करते रहता है। और फ्रेंड्स, जो ECU है वो बेस्ट सूटेबल और अप्रोप्रिएट टाइमिंग जो है वो डिसाइड करता है कि किस टाइम पे वाल्व जो है एग्जॉस्ट वाल्व या जो हमारा इंटेक वाल्व है वो ओपन होगा, कब वो क्लोज होगा, ताकि हम लोगों को इंजन से सही टाइम पे सही अमाउंट पे पावर मिल सके। इसके अलावा जो फ्यूल का इकोनॉमी है वो भी हम लोगों को बेहतर अपने इंजन से मिल सके। तो इस तरह से जो ECU है वो आइडल के स्पीड और वेरिएबल वाल्व टाइमिंग जो है उसे भी कंट्रोल करता है। फ्रेंड्स, ECU जो है वो टॉर्क और ब्रेक हॉर्स पावर को भी इंक्रीज करता है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो हमारा इंजन के सिलेंडर के अंदर में जो फ्यूल का इंजेक्शन हो रहा है उसे ECU गवर्न करता है, तो ECU क्या करता है कि टाइम टाइम पे जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है, जो इंजन का लोड है, उसे डिटेक्ट करते रहता है। और जब ECU इस चीज़ को देखता है कि जो लोड है वो इंक्रीज हो रहा है इंजन के ऊपर में, तो वो क्या करता है कि फ्यूल इंजेक्शन को, जो फ्यूल इंजेक्टर होता है उसे ये सिग्नल भेजता है कि फ्यूल का सप्लाई को बढ़ा दो। अब जैसे ही फ्यूल का सप्लाई बढ़ता है तो इस तरह से क्या होता है कि हम लोगों को अपने गाड़ी के इंजन से ज़्यादा BHP यानी कि ज्यादा ब्रेक हॉर्स पावर मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से जो ECU है वो टॉर्क और BHP को इंक्रीज करते रहता है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको ECU के टॉप 5 एडवांटेजेस के बारे में बताता हूं। सबसे पहला एडवांटेज ये है कि आपकी गाड़ी के जो फ्यूल इकोनॉमी है वो ECU की वजह से इंप्रूव हो जाती है। अगला एडवांटेज ये है कि ECU की वजह से 40% तक आपका इंजन का परफॉर्मेंस और जो ड्राइवेबिलिटी है वो इंप्रूव हो जाता है। अगला जो एडवांटेज है वो ये है कि ECU के वजह से जो थ्रॉटल का रिस्पांस है वो इम्प्रूव हो जाता है, जिसके वजह से जो इंजन की एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है। चौथा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ये है कि ECU के वजह से हम लोगों का जो इंजन का पावर है वो इंक्रीज हो जाता है। पांचवा जो एडवांटेज है ECU का वो ये है कि जो हम लोग का ECU होता है इंजन का, वो
कस्टमाइजेबल होता है, यानी कि हमारा जो किस तरह का हम लोड पे अपने गाड़ी को चलाते हैं, हमारा इन्वायरमेंट क्या है, हमारा जो रोड का कंडीशन क्या है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अपने इंजन के ECU को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे ECU से रिलेटेड, और आज की इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बताया कि ECU क्या होता है, ECU कैसे काम करता है, ECU क्या क्या काम करता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो कि मैं गाड़ी के में जो सेंसर्स होते हैं और जो एक्चुएटर्स होते हैं इसके ऊपर में जो सेपरेट वीडियो अगर आप लोगों को अपलोड करके बताऊँ, तो आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपको अलग से सेंसर्स और एक्चुएटर्स के ऊपर में वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, आई एम श्योर आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। वीडियो के बारे में और चैनल के बारे में अपनी राय आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि आपका एक लाइक से बहुत ही सपोर्ट मिलता है, बहुत ही कॉन्फिडेंस मिलता है। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।